हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वेश्चन बैंक पे। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये वीडियो आपका ANM GNM 2013 की जो भर्ती प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, ये भर्ती 2013 में निकली थी और उसके बाद 7 साल बाद तक इसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और तो इस संबंध में आज 29 जून को एक नई खबर प्रकाशित हुई है, जो विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व मंत्री को सौंपा ज्ञापन। तो पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेवनियाल के ग्रामीणों द्वारा राजस्व मंत्री को गांव की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान करवाने लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि गांव में पशु चिकित्सालय, पानी की होद बनाना, सेवनियाल से चवा सड़क तैयार करना, बस स्टॉप वगैरह जो ये है। इसके अलावा जो आपके नर्स ग्रेड 2013 की भर्ती थी तो उससे संबंधित खबर ये है, नर्सेज भर्ती 2013 के वंचित अभ्यर्थियों ने रविवार को बाड़मेर दौरे पर रहे राजस्थान के राजस्व मंत्री को ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देने के लिए वंचित दुर्गाराम मूली, चुकी देवी चौधरी, अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। इन सभी ने मंत्री को ज्ञापन दिया। मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि सरकार अधूरी भर्ती पर गंभीर है, हम प्रयास कर रहे हैं। वंचित बहनों ने यह भी बताया कि 2013 में चिकित्सा विभाग में नर्स ग्रेड द्वितीय के 157773 व ANM के 12,278 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बजट का अभाव बताते हुए GNM के 4,514 और ANM के 6,719 पदों की कटौती कर शेष पदों पर नियुक्ति नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी, जिससे परिणाम स्वरूप हजारों संविदा कर्मी व बेरोजगार नर्सेस नियमित नियुक्ति से वंचित रह गए। हाल ही में कांग्रेस सरकार द्वारा इस पदों को पुनर्सर्जित करते हुए नर्सिंग भर्ती 2013 को विज्ञापित पदों 157773 GNM पे 12278 ANM पदों पर भर्ती पूरी करने हेतु तो कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी का अध्यक्ष BD कल्ला को बनाया गया। वंचित अभ्यर्थियों ने मंत्री से नर्सिंग भर्ती 2013 में काटे गए पदों को पुनर्सर्जित करते हुए नर्सिंग भर्ती 2013 को पूर्ण पदों पर पूरी करने की राजस्व मंत्री से मांग की है। जो ये जो आपकी 2013 की भर्ती थी तो उसको 7 साल हो गए, तो अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इस संबंध में ही अभ्यर्थियों ने ये ज्ञापन सौंपा था ये राजस्व मंत्री को। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।